क्या जिम में लाउड म्यूजिक चलने से टिनाइटस हो सकता है? आइए सुनते हैं संदीप का फीडबैक। आप संदीप से थैंक यू सो मच, आप अपना ऑडियो फीडबैक दे रहे हैं हमें। यस सर, आपकी एज कितनी है? मैम मेरी एज 41। एंड आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैम दिल्ली से। दिल्ली से। कब से आपको टिनाइटस का प्रॉब्लम था सर? मैम एक्चुअली मुझे ये स्टार्ट हुआ था नवंबर 2020 में। ओके। और आपको कुछ रीजन पता है कि आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे हुई? मैम एक्चुअली ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी मुझे काफी तेज साउंड की वजह से। ओके। राइट, जो मैं डेली जिम जाता था तो जिम के अंदर काफी तेज साउंड के अंदर वो म्यूजिक होता था, तो उस वजह से मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। ओके, तो आपको जब पता चला फिर आपने क्या किया? व्हाट वाज योर नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट फिर मैंने ईएनटी में चेक करवाया था, बट ईएनटी से मुझे कुछ एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स नहीं मिला। देन आई सर्च ऑन गूगल, तो गूगल के थ्रू मुझे आपकी डिटेल्स का अवेलेबिलिटी हुआ एंड देन आई अप्रोच टू यू। ओके, सो आप क्या क्या प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे थे टिनाइटस की वजह से? मैम उसकी वजह से, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी ब्रीफ कर चुका था कि जो मेरी प्रॉब्लम थी, हमेशा कान के अंदर एक बर्जिंग साउंड आता रहता था, हमेशा 24 आवर बर्जिंग साउंड आता था। तो नॉर्मल अगर आप बाहर हैं तो यू कैन इजिली मैनेज, बट आप जब साइलेंस में हैं, राइट, आप घर में हैं या किसी भी साइलेंस प्लेस पे हैं, तो वो साउंड आपको बहुत इरिटेट करता था और उसकी वजह से यू गॉट इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेशन था, यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स, राइट। सो ये सब मुझे एसोसिएट प्रॉब्लम्स थे उसके साथ पूरे के पूरे, एंड नाइट में तो ये और वर्स्ट हो जाता था बिल्कुल। जी जी, तो जब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया उसके बाद क्या चेंजेस आए सर? मैम जब मैंने आपसे कंसर्न किया और जो डॉक्टर्स से जो कंसर्न थे उनको मैंने पूरा मेरा सिनेरियो ब्रीफ किया और उन्होंने पूरा मुझे ब्रीफ किया कि इसके सिम्टम्स क्या है और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट का रहेगा और कैसे कैसे फॉलोअप्स रहेगा, तो आप लोगों के एंड से मुझे टिनाइटस रिलीफ का एक मशीन मुझे दिया गया जी। और उसमें मुझे 10 मिनट्स के 3 टाइम्स की थेरेपी सेशन था 10 मिनट्स का जी। जो मैं रेगुलर लेता था। ओके। हाँ, वो रेगुलर लेने के बाद मुझे उसमें स्लाइटली ग्रेजुअली धीरे 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 मेरे को उसमें रिलीफ चला गया। ओके। सो अभी आपका सिचुएशन कैसा है एट द मोमेंट? अभी एज ऑफ नाउ मैं काफी बेटर है। ओके। मच बेटर, अगर मैं कंपेयर करूँ 2020 और अभी, काफी बेटर है। ओके। तो अभी रिलीफ परसेंटेज कितना है सर आपका? सॉरी मैम, कैन यू कम अगेन? या हाउ मच रिलीफ यू हैव करंटली? रिलीफ तो मैम मेरे को ऑलमोस्ट 85% का मेरे को रिलीफ है इसके अंदर। ओके सर। सर हमारे ट्रीटमेंट से आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ? नहीं 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 मैम, कोई साइड इफेक्ट नहीं था। ओके। इजी टू ऑपरेट था सर? एग्जैक्टली, यस। ओके, एंड द फॉलोअप टीम वर एबल टू हेल्प यू लाइक एवरी वीक? यस 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 यस, आई गॉट रेगुलर कॉल्स फ्रॉम योर एंड। Okay. Your team is always follow up with me. So, regular follow up करेंगे मेरे साथ। Great sir. Sir, as you know, बाकी patients को बहुत lack of awareness है इस problem से related. तो आप अपने journey से उनको कुछ guide कर सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए जब उनको ये problem हो तो? हाँ मैम, मैं अगर कुछ भी tinnitus problem से अगर कोई ऐसा है concern जो भी हो patient, तो मैं उनको ये advice करूँगा कि आपसे कनेक्ट करें एक बार, और जो भी सिम्टम्स है उनको ये प्रॉब्लम हुआ है जस्ट गिव यू कंप्लीट ब्रीफ, आपको दें पूरा का पूरा, एंड जो भी आपका ट्रीटमेंट है उसको स्टार्ट करें, एंड ट्रीटमेंट के लिए जस्ट बी ऑन डिसिप्लिन मेंटेन करें, उसको पूरा फॉलो करें जो जो आपके इंस्ट्रक्शन है, एंड आई एम श्योर कि उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगा एंड यू विल बी रिकवर वेरी सून। थैंक यू सर। So can I put this audio feedback on my YouTube channel to create awareness among people? Right, ma'am, right. Thank you. You can do. Thank you so much, sir. Okay.